गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज राहुल जिंदल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग बाय राहुल सर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। तो टेंस की सीरीज के अंदर ये आज हमारी टेंस की एट्थ क्लास है, आठवीं क्लास है हमारी। इनकी आज हम आपको करवाने वाले हैं पास्ट का फोर्थ पार्ट, और उसका नाम है प्यारे बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है अगर कोई भी काम पास्ट में लंबे समय से लगातार चल रहा था, अगर पास्ट में कोई भी काम लंबे समय से चल रहा था। चलिए इसकी डेफिनेशन करते हैं इंग्लिश में। इसकी डेफिनेशन होती है इंग्लिश में विच वर्क हैड बीन continuing for a long time in past, which work had been continuing for a long time in past, जो काम past में लंबे समय से लगातार चल रहा था उसे हम past perfect continuous tense कहते हैं। Okay बच्चों, तो इस class के अंदर it has one helping verb। इस क्लास के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब है, उसका नाम है हैड बीन। हैड बीन सब्जेक्ट हमारा आई यू वी दे ही शी इट, सेवन सब्जेक्ट है, सभी के साथ हैड बीन आएगा। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और वेदर द सब्जेक्ट इज प्लूरल। ओके बच्चों, तो आपको पता है बीन के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं, और इस क्लास में बच्चों सिंस फोर का यूज होता है। चलिए सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूं, आपको मैं इसकी पहचान बताता हूं। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में आएगा से रहा था, से रही थी और से रहे थे, ये इसके पहचान होती है। चलिए गाइस लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव में गाइस क्या होता है, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि क्या आएगा आगे, हैड। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम लगाएंगे बच्चों आई एन जी, और उसके बाद सिंस या फोर, यानी कि सिंस या फोर कब आते हैं, जब टाइम की बात होती है। ओके गाइस, उसके बाद बेटे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो आंसर में क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपका आगे आ जाएगा, जो हैड बीन को हमने अलग कर दिया था इंटरोगेटिव में, हम उनको एक साथ मिला देंगे। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आपका आ जाएगा बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हम लगाएंगे आई एन जी, उसके बाद आपका आ जाएगा सेंस या फोर में से एक, आपका टाइम आ जाएगा। नेगेटिव की बात करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारी आएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद क्या आएगा, बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाया आई एन जी, और उसके बाद सिंस या फॉर में से एक, यानी कि टाइम के लिए। बच्चों हैड बीन एक साथ कब आता है, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में हैड और बीन एक साथ नहीं आते, उनके बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव में भी हैड और बीन कभी एक साथ नहीं आते, उनके बीच में नॉट आ जाता है। तो आपने एक बात नोट की होगी, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, आई एन जी, आई एन जी, आई एन जी, सिंस फॉर, सिंस फॉर, सिंस फॉर। तो डियर गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंस और फॉर। आपको मैंने पिछली क्लास में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बता रखा है कि वेयर सिंस कम्स और वेयर फॉर कम्स। फिर भी चलो आपको मैं मेन मेन बता देता हूं बच्चों, सिंस हमारा कब आता है, जब हम सर्टेन टाइम की बात करते हैं, फिक्स टाइम की बात करते हैं। जैसे कोई भी डेज का नाम आ गया, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, मंथ्स का नाम आ गया, जनवरी फेबरी मार्च अप्रैल मई, ईयर का नाम आ गया बच्चों, उसके बाद हमारा मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, कोई भी बच्चों हमारी ऋतु का नाम आ गया, मौसम का नाम आ गया, तो इन सभी के साथ बच्चों हम सिंस लगाते हैं, टाइम के साथ भी सिंस लगाते हैं। फोर कहाँ पर लगाते हैं हम, व्हेन वी काउंट द टाइम, जब हम टाइम को गिन सकते हैं वहां पर हम फोर लगाते हैं। ठीक है गाइस, अगर फिर भी आपको क्लियर ना हुआ हो आप
मेरी प्लेलिस्ट में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की वीडियो देखिए, वहां पर मैंने पूरे डीपली तरीके से समझाया हुआ है कि सिंस और फॉर कहां लगाते हैं। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा वह दो दिन से खेल रहा था। अब देखो दो दिन क्या आ गया, टाइम आ गया, से लास्ट में रहा था तो पॉजिटिव आंसर है। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, ही हैड बीन प्लेइंग, वह दो दिन से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग। दो दिन को काउंट कर सकते हैं बच्चों, तो क्या लगाएंगे, फॉर टू डेज। अगर बच्चों हमने इसका इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या वह दो दिन से खेल रहा था, तो हैड ही बीन प्लेइंग फॉर टू डेज क्वेश्चन मार्क। मना करेंगे, वह दो दिन से खेल नहीं रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर टू डेज। क्लियर बच्चों? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने कहा राम मंडे से स्कूल जा रहा था, तो मंडे क्या आ गया, डे का नाम आ गया, तो टाइम आ गया ना, राम मंडे से स्कूल जा रहा था, तो राम हैड बीन स्कूल जाना, गो टू स्कूल, तो आई एन जी लग गया गो में, तो राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्योंकि मंडे डे का नाम आ गया ना। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, क्या राम मंडे से स्कूल जा रहा था, हैड राम बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे क्वेश्चन मार्क। मना करेंगे, राम मंडे से स्कूल नहीं जा रहा था, तो राम हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। है ना गाइस, कितना आसान। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि चार घंटे से बारिश हो रही थी, तो चार घंटे को हम काउंट कर सकते हैं, चार घंटे से बारिश हो रही थी, तो इट हैड बीन रेनिंग फोर, FOR, फिर फोर आर्स। क्वेश्चन पूछेंगे, क्या चार घंटे से बारिश हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग फॉर फोर आर्स क्वेश्चन मार्क। चार घंटे से बारिश नहीं हो रही थी, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर फोर आर्स। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने कहा क्या वो 6 महीने से कंप्यूटर सीख रहे थे, तो कंप्यूटर सीखना होता है लर्न कंप्यूटर, हैड दे बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 6 months क्वेश्चन मार्क। वो 6 महीने से कंप्यूटर सीख रहे थे, दे हैड बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 6 months। वो 6 महीने से कंप्यूटर नहीं सीख रहे थे, दे हैड नॉट बीन उसके बाद लर्निंग कंप्यूटर फॉर 6 months। देखा गाइस कितना आसान है बच्चों, इसके अंदर टाइम आना बहुत जरूरी है, सिंस या फॉर में से एक चीज जरूर आएगी, और से देखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा वह स्कूल जा रहा था, लास्ट में देख लेते हैं रहा था, बट से नहीं देखते हैं। से भी आना चाहिए बच्चों और टाइम भी आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको मेरे द्वारा जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको बिना किसी डाउट के क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों जाते जाते अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि समय समय द्वारा मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाती है आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिन तक मेरा जो मकसद है, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों तक मेरी एजुकेशन पहुँचे। मैं बहुत ही आसान तरीके से करवाता हूँ बच्चों, कोई रटफिकेशन नहीं है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझना है। जो बच्चों ने हवा बना रखा होता है वो बिल्कुल ही आसान, एकदम स्टीक हमारा जो कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है गाइज, तो आज की मुलाकात हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो लेट्स कॉल इट अ डे। ओके बाय।